जय माता रानी। दोस्तों, नवदुर्गा में चतुर्थ दुर्गा माँ कूष्मांडा है। इस वीडियो में हम माँ कूष्मांडा का स्वरूप जानेंगे। इसके साथ ही माँ कूष्मांडा के बीज मंत्र एवं स्तुति मंत्र के बारे में जानेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि माँ कूष्मांडा को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए जिससे माता प्रसन्न हो एवं हमें आशीर्वाद प्रदान करे। साथ ही हम माँ कूष्मांडा की व्रत कथा भी जानेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कूष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। माँ कूष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली है। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। आइए अब हम जानते हैं माता का स्वरूप कैसा है। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। माता के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र एवं गदा है। वहीं 8वें हाथ में माता को 8 सिद्धियां एवं 9 निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कूष्मांडा को कुम्भड़े की बलि अति प्रिय होती है और संस्कृत में कुम्भड़े को कूष्मांडा कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गा को कूष्मांडा कहा गया। आइए अब हम माँ कूष्मांडा के मंत्रों के बारे में जानते हैं। माँ कूष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। इसी के साथ ही माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आइए अब हम जानते हैं माँ कूष्मांडा को क्या भोग लगाना चाहिए। माँ कूष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। कूष्मांडा देवी को सफेद पेठे का फल चढ़ाना चाहिए। ब्रह्मांड को कुमरे के समान माना जाता है जो कि बीच में से खाली होता है। देवी ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती है और पूरे संसार की रक्षा करती है। अगर आपको साबुत कुमरा ना मिले तो आप माँ को पेठे का भोग भी लगा सकती है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्त के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कूष्मांडा देवी की भक्ति से आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति भाव से प्रसन्न होती है। आइए अब हम आपको माँ कूष्मांडा देवी की व्रत कथा सुनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। तब माँ कूष्मांडा ने अपने मंद मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही माता का नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ कूष्मांडा के पास इतनी शक्ति है कि वह सूर्य के घेरे में भी रह सकती है। इनका वास सूर्यमंडल के भीतर है। केवल माँ कूष्मांडा ही सूर्यलोक के भीतर रहने की क्षमता रखती है और इन्हीं के तेज से दसों दिशाएं आलोकित है। कहा जाता है कि माता के तेज से ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में तेज विद्यमान है। सच्चे मन से देवी कूष्मांडा की पूजा करने पर देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी पूजा करने से रोग शोक दूर होते हैं एवं आयु और यश में वृद्धि होती है। अपनी मंद हंसी द्वारा संपूर्ण कूष्मांड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही माता को कूष्मांडा देवी के नाम से अभिग्रहित किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माता रानी से संबंधित और वीडियो देखनी है उसके लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें।